वो 14-15 नवंबर 2000 की दरमियानी रात थी। राजभवन के गुलाब गार्डन में हलचल थी। 14 नवंबर की आधी रात को घड़ी की तीनों सुइयां मिली और कैलेंडर में तारीख बदलकर 12 नवंबर हो चुकी थी। राजभवन में राज्यपाल प्रभात कुमार के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन वाले नेताओं ने दावा किया है कि बहुमत उनके साथ है, इसलिए सीएम के तौर पर शिबू सोरेन को शपथ दिलाई जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के बाबूलाल मरांडी की ओर से दिए गए समर्थक पत्र में 44 विधायकों के नाम थे। राज्यपाल ने मरांडी का दावा सही पाया और रात 1:05 पर उन्हें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। अब क्योंकि राज्यपाल ने एनडीए को सरकार बनाने का मौका दिया था तो राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण हो रहा था, बाहर यूपीए का हंगामा। लेकिन इन सब के बीच उसी रात देश के राज्यों की गिनती में एक नए राज्य झारखंड का जन्म हो चुका था और बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के पहले सीएम बन चुके थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में जिन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उनमें से एक झारखंड भी है, जिसने आदिवासियों के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद साल 2000 में पहली बार आजादी की सांस ली। आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं उसी राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी की, जिन्होंने 18 जनवरी 2020 को अपने पैतृक गांव कुदई बांक तिसरी में एक बयान दिया था। दरअसल एक प्रेस वार्ता में कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या आप अपनी पार्टी जेवीएम का भाजपा में विलय कर रहे हैं। इस पर मरांडी ने कहा कि मैंने जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा को 14 साल तक सींचा है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और भाजपा में जाने की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन उनके बयान के ठीक एक महीने बाद मरांडी ने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। पूरे 14 साल के वनवास के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मरांडी की बीजेपी में वापसी हुई थी। 2023 में पार्टी ने उन्हें झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया और अब 2024 के विधानसभा चुनाव को उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी राजनीति में कैसे आए और कैसे रातों रात नए झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, अब आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को कोदाई बांक गांव में हुआ था। ये गांव अविभाजित बिहार और आज के झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है। बाबूलाल के पिता का नाम छोटूलाल मरांडी और माँ का नाम मीना मुर्मू था। छोटूलाल मरांडी इतने गरीब थे कि अगर एक दिन जंगल ना जाएं तो घर का चूल्हा तक नहीं जलता था। लेकिन बाबूलाल की रुचि पढ़ाई में थी। वो स्कूल जाना चाहते थे, जो आसान काम नहीं था। जंगली रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए सरकारी नदी के नाम से मशहूर चंदौली नदी को पार करना होता था। स्कूल से आने के बाद बाबूलाल भी जंगल जाते और लकड़ियाँ काट कर लाते थे। बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नूनूलाल मरांडी उनके संघर्ष और ईमानदारी के बारे में बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने स्कूल कॉलेज के लिए लंबा संघर्ष किया था। वो जिस छात्रावास में रहते थे वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल गिरिडीह कॉलेज जाना पड़ता था। पैसा था नहीं तो लाइब्रेरी और दोस्तों की किताबें लेकर दादा ने कॉलेज पूरा किया। गरीबी इतनी थी कि कभी चावल का माण भी नहीं फेंकते थे और उसे पीकर भूख मिटाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दादा महतो ग्राम के प्राथमिक स्कूल में टीचर बन गए थे। एक बार वो स्कूल के काम से शिक्षा विभाग गए, जहां एक क्लर्क ने उनसे रिश्वत मांगी। मरांडी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है बल्कि सरकारी काम है, और अगर व्यक्तिगत काम भी होता तो भी मैं रिश्वत नहीं देता। वो क्लर्क अपने चाय पानी मतलब रिश्वत पर अड़ा रहा और विवाद बढ़ गया। मरांडी ने कहा कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता है तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। इसके बाद बाबूलाल मरांडी घर आए और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब बताया तो ये भी जाता है कि बाबूलाल मरांडी रांची यूनिवर्सिटी के गिरिडीह कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस के संपर्क में आ चुके थे। उन्होंने शाखा और संघ के स्थानीय कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज के बाद जब उन्हें टीचर की नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने फुल टाइम आरएसएस को ही ज्वाइन कर लिया। मरांडी के छोटे भाई नूनूलाल मरांडी बताते हैं कि आरएसएस में शामिल होने के बाद दादा कई सालों तक गायब रहे। घर वाले उन्हें सालों तक खोजते रहे लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो पता चला कि दादा जिंदा हैं और नेता टाइप के कुछ बन गए हैं।
वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र के मुताबिक मरांडी ने 1986 में बीएचपी ज्वाइन की थी। उन्हें ट्रेनिंग देने वाले टीचर विद्यापीठ के नृसिंह पंडित थे। ये वो टाइम था जब संथाल बेल्ट में शिबू सोरेन का दबदबा था और बीजेपी के सोरेन की काट करने वाला कोई नेता नहीं था। इसी वजह से संघ की शाखा से आने वाले बाबूलाल मरांडी को शिबू सोरेन के विकल्प के तौर पर तैयार किया गया और सितंबर 1990 में उन्हें बीजेपी में लाया गया, जहां उनके काम से खुश होते हुए पार्टी ने मरांडी को सीधा संगठन मंत्री बना दिया। 1991 में आम चुनाव हुए तो बाबूलाल मरांडी को दुमका लोकसभा सीट से टिकट देकर शिबू सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा गया। ये सोरेन की पारंपरिक सीट है। कहा जाता है कि झारखंड आंदोलन का हिस्सा होने की वजह से प्रदेश में तब शिबू सोरेन की जबरदस्त लहर थी और इसीलिए शिबू सोरेन की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को दुमका से ही मैदान में उतारा था। उससे पहले दुमका में जेएमएम और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता था, लेकिन बीजेपी के बाबूलाल को उतारने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। फिर भी शिबू सोरेन ने मरांडी को उनका पहला चुनाव करीब 1.5 लाख वोटों से हराया। 1996 में फिर शिबू सोरेन के खिलाफ मरांडी को दुमका से ही टिकट दिया गया और वो दूसरी बार हार गए। हालांकि तब हार का मार्जिन 1,33,641 से घटकर बेहद कम 5,478 वोटों पर आ गया। लेकिन 1998 में एक चमत्कार हुआ और मध्यावधि चुनाव के दौरान मरांडी ने शिबू सोरेन को 12,556 वोटों से पटकनी दे दी और दुमका से ही अपनी पहली जीत दर्ज की। बैजनाथ मिश्र बताते हैं कि अलग झारखंड बनने के बाद सीएम पद के लिए खींचतान मची थी। जेएमएम के शिबू सोरेन चाहते थे कि उन्हें सीएम बनाया जाए, लेकिन सीएम के लिए बीजेपी भी तिगड़म लगा रही थी। पार्टी में सीएम के लिए कड़िया मुंडा और बाबूलाल मरांडी जैसे दो प्रमुख नाम थे। चर्चा थी कि झारखंड के पहले सीएम का फैसला अटल जी करेंगे तो कड़िया मुंडा के फेवर में जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अडवाणी और गोविंदाचार्य की पसंद बाबूलाल मरांडी थे। सरयू राय झारखंड में मरांडी के लिए जमीन तैयार कर चुके थे। उनके मार्गदर्शन में ही कुछ विधायक दिल्ली भेजे गए, जिन्होंने मरांडी की दावेदारी को मजबूती दी। इन सबसे बेखबर अटल जी को जब तक इस खेल का पता चलता, तब तक मरांडी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया गया था। वो उनकी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में मरांडी को सीएम बनाने के लिए औपचारिक बैठक हुई। कड़िया मुंडा को ऑफर दिया गया कि वो मरांडी की जगह केंद्र में मंत्री बन जाए। कड़िया बेहद सीनियर नेता थे, इसलिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो भी सीएम बनना चाहते थे। इसके बाद 14 नवंबर को दिगंबर जैन भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और बाबूलाल मरांडी को नेता चुन लिया गया। अब झारखंड नया राज्य था, मरांडी भी पहली बार सीएम बने थे, लिहाजा सामने कई चुनौतियां भी थीं। ठेके, विभाग और कई टेंडर नए सिरे से बांटे जा रहे थे। मंत्रियों को भी लगा कि कमाई करने का बढ़िया मौका है। वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र के मुताबिक एक भ्रष्ट मंत्री ने तो सीएम बाबूलाल मरांडी को यहां तक कह दिया कि मुझे रजिस्ट्रेशन मंत्रालय दे दीजिए, बदले में मैं आपको हर महीने 20 लाख रुपए दूंगा। वहीं एक दूसरे मंत्री ने बिजली विभाग का चेयरमैन अपनी पसंद का बैठाने के बदले सीएम को पैसे का ऑफर दे दिया था। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने अपने भ्रष्ट मंत्रियों की बात नहीं मानी तो 13 मार्च 2003 को एक साथ कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और इससे मरांडी सरकार अल्पमत में आ गई और उसी दिन विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव रख दिया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। शाम होते होते विपक्ष राजभवन पहुंच गया, बात दिल्ली तक पहुंची। लालकृष्ण आडवाणी, नीतीश कुमार, शरद यादव जैसे एनडीए के कई बड़े नेता सरकार बचाने में जुट गए। आला कमान की तरफ से बात करने बीजेपी महासचिव राजनाथ सिंह आए। राजनाथ सिंह अर्जुन मुंडा को पसंद करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले कड़िया मुंडा और यमुना सिंह का नाम सामने रखा। जब नेता नहीं माने तो अर्जुन मुंडा का नाम रखा गया, जिस पर सबने सहमति जताई। तो 17 मार्च 2003 को मरांडी ने इस्तीफा दिया और अगले दिन अर्जुन मुंडा ने झारखंड के दूसरे सीएम की शपथ ली। अगले साल 2004 में लोकसभा चुनाव हुए तो मरांडी को कोडरमा से लड़ाया गया और वो जीत गए। मरांडी राज्य के पहले सीएम और बड़े नेता थे, इस वजह से नए मुख्यमंत्री से उनकी जमी नहीं और वो अपनी ही पार्टी और सरकार में अकेले पड़ गए। अब ऐसे माहौल में पार्टी में उनका दम सा घुटने लगा था, लिहाजा 2 साल बाद 2006 में उन्होंने बीजेपी और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसमें उनके साथ बीजेपी के कई विधायक इस्तीफा देकर शामिल हो गए। उनकी पार्टी चुनाव भी जीती,
लेकिन पैसों के लालच में उनके विधायक कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में चक्कर लगाते रहे। अब एक तरफ मरांडी और उनकी पार्टी की हालत अच्छी नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी झारखंड में कमजोर हो रही थी। 2020 में दोनों ओर से बर्फ पिघली और अमित शाह ने मरांडी की घर वापसी करवाई। जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया गया, मरांडी को नेता प्रतिपक्ष और फिर राज्य बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से कभी बीजेपी को मिट्टी में मिलाने का दावा करने वाले मरांडी वापस उसी पार्टी का हिस्सा बन गए और अब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो चलिए अब अंत में उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ा एक दर्दनाक किस्सा भी आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी ने हमेशा से ही नक्सलियों पर काफी सख्ती की थी, जिससे वो और उनका पूरा परिवार नक्सलियों के निशाने पर था। बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नूनूलाल मरांडी बताते हैं कि 27 अक्टूबर 2007 का वो काला दिन था। मुझे एक फुटबॉल मैच के फाइनल में पुरस्कार बांटने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। कार्यक्रम के लिए मैं घर से निकल ही रहा था कि अचानक मेरा भतीजा अनूप बोला, चाचा हम भी साथ चलेंगे। अनूप मेरे बड़े भाई बाबूलाल मरांडी का बेटा था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। फुटबॉल कार्यक्रम चिलखारी गांव में था, जो कि बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ता है। हम शाम को 7 बजे निकले। फुटबॉल मैदान पर पुरस्कार वितरण से पहले कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और नक्सलियों के बुने हुए जाल से वो बिल्कुल अनजान थे। कार्यक्रम चलते चलते रात 12:30 बज गया था। हम लोग मंच पर बैठे थे कि अचानक मैंने गर्दन झुकाई और एक गोली आई जो मेरे पीछे वाले लड़के की आंख में जा लगी। इसके बाद दनादन फायरिंग होने लगी और भगदड़ मच गई। फायरिंग के बीच मैं कूदकर पब्लिक में चला गया। नक्सलियों ने माइक पर ऐलान किया कि हमें नुन्नू लाल मरांडी चाहिए, जो चश्मा लगाए हैं और काला कोट पहने हुए हैं। ये सुनते ही मैंने सारे कपड़े और घड़ी उतार कर फेंक दिए। मैं केवल चड्ढी बनियान में था ताकि मेरी पहचान ना हो सके। वो लोग मन से मेरा नाम लेकर चिल्लाते रहे और बोलते रहे कि यहाँ 20 लोगों को पैर में गोली लगी है, जबकि गोली पैरों में नहीं सिर में मारी गई थी। मैं जैसे तैसे जान बचाकर दूसरे गांव पहुंचा, वहां की पुलिस से मदद ली और वापस मौके पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो अनूप कुर्सी पर पड़ा हुआ था। नुनू लाल मरांडी आगे बताते हैं कि मेरे भाई दुनिया के सबसे हिम्मत वाले इंसान हैं। उन्होंने अपने नवविवाहित और बिल्कुल युवा 21 साल के बेटे को कंधा दिया था। वो कई दिनों तक चुप रहे, शांत रहे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान था। फिर भी वो ढेर सारा गम अपने मन में लिए अपना काम करते रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।